हेलो, मैं हूं नम्रता, इंडियन यूट्यूबर, आपकी दोस्त जो आपकी जिंदगी को रंगों से भर देगी। मैं आपके लिए कुकिंग, गार्डनिंग, क्रिएटिव क्राफ्ट आइडियाज, जो घर को सजाए, और बेबीज के केयरिंग टिप्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को क्लिक करे ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन चल। हेलो, वेलकम टू माय चैनल लव यू जिंदगी। हमारा फर्स्ट DIY है एक कलरफुल वुलन प्लांटर या फिर एक पेन स्टैंड के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हमें कुछ कलरफुल वुलन की जरूरत होगी। इसकी मदद से हम कुछ फ्लावर बना लेंगे कलरफुल। एक हम पेन या पेंसिल की मदद से कुछ इस तरह से हम वुलन थ्रेड को पेन में फंसा के इसके चारों तरफ इसको पकड़ के उसके बाद इसके हम चारों तरफ रोल करते हुए धागे को हम लपेटेंगे। आप जितना ज़्यादा इसमें धागा लपेटेंगे फूल भी उतना घना और मोटा दिखेगा, तो दिखने में अच्छा लगता है। 40 से 50 राउंड मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अब हम उलन थ्रेड को कैंची की मदद से काट ले रहे हैं और इस पेन से हम इस थ्रेड लपेटे हुए थ्रेड को अलग करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम दोनों सिरों को टाइट करके बांध देंगे ताकि ये एक अच्छा सा फूल का शेप बन जाए। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम काट लेंगे। सेकेंड, अब हम एक पिंग पोंग बॉल बनाएंगे। पिंग पोंग बनाने के लिए मैंने इन दो उंगलियों की मदद से इसे धागे को लपेटती हूँ। अब जितना ज़्यादा मोटा करना चाहते हैं उस तरह से आप धागे को लपेट लें। मैंने यहाँ पर 20 से 25 राउंड मारा है और धागे को हम उंगली से निकाल करके बांध दे रहे हैं बीच में और इसे छोटा छोटा काटते हुए चारों तरफ से शेप करते हुए हम इसे पिंग पोंग बॉल का शेप देंगे। स्प्राइट के बोतल को हाफ कट कर ली हूँ। आप कोई भी ऐसे प्लास्टिक के बोतल को अपने जरूरत के साइज के हिसाब से कट कर लें। अब मैंने कुछ कलरफुल वुलन थ्रेड की मदद से इसे ब्रेड के शेप में बांध दिया है। आप कोई भी ऐसे कलरफुल वुल का सिलेक्ट करके इसे बांध दें। अब मुझे ऐसे एक जूट के रूप की जरूरत है जिसे मैं इस प्लास्टिक बोतल के चारों तरफ से बांधूंगी, या फिर कह सकते हैं इसके चारों तरफ से हम राउंड लगा के इस प्लास्टिक बोतल को हम इसे ढकेंगे। आप यहाँ पर ग्लू गन या फिर फेविकॉल के मदद से भी इस रोप को चारों तरफ से टाई कर सकते हैं। अब मैं इसमें हमारे जो कलरफुल वुलन ब्रेड बनाए थे उसे चारों तरफ से लगा देंगे ताकि ये जूट के रोप के साथ कंट्रास्ट होकर देखने में अच्छा लगे। अब एंड में जो हमारा प्लास्टिक का बोतल बचा है उसमें भी हमने जूट का रोप चारों तरफ से लगा दिया है। अब इसके नीचे में हम जो हमने पिंग पोंग बॉल बनाया है उसको चारों तरफ से लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर के बेस में जो हमने फ्लावर बनाया था उसको चिपका दे रहे हैं कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, और इसके जो बीच में हम ये ब्रेड लगा देंगे ताकि ये दिखने में और अच्छा लगे। हमारा मल्टीपर्पज स्टैंड बनके तैयार है। ये देखिए, दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। आप इसे पेन स्टैंड या फिर कोई भी स्पून स्टैंड या फिर कोई भी किचन के यूटेंसिल्स इसमें रख सकते हैं, या फिर इसे एक प्लांटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अब हमारा सेकेंड DIY है एक मल्टीपर्पज रैक जिसे हम किचन यूटेंसिल्स रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने एक पेंट का डब्बा का इस्तेमाल किया है, साथ में कुछ वुलन ब्रेड्स ले लिए हैं। हम एक ऐसे वुवन बैग का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वुवन बैग्स मैंने अपने पहले DIY में भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ ब्लू कलर का वुवन बैग लिया है। आप किसी तरह के भी कलरफुल वुवन बैग्स ले सकते हैं। मैं इसके सबसे पहले हैंडल पोर्शन को कट कर लूँगी। अब इसे फोल्ड करके हम चारों तरफ से ग्लू गन की मदद से चिपका ले रहे हैं। इसका जो मैंने लंबाई रखा है और जो चौड़ाई रखा है वो इस एशियन पेंट के डब्बे के हिसाब से रखा है।
चारों तरफ हम इस ओवन पैक को चिपका देंगे कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर के पोर्शन में हमने वही कलरफुल ब्रेड का इस्तेमाल किया है। देखिए कुछ इस तरह से हम ग्लूगन की मदद से चिपका दे रहे हैं ये दोनों ही कलरफुल ब्रेड्स। इसके ऊपर में हम कॉन्ट्रास्ट कलर देते हुए इसमें हम लगा दे रहे हैं। उसी तरह नीचे के बेस में भी मैंने ये ब्रेड कलरफुल ब्रेड चिपका दिया है। अब जो हमारे फ्लावर बनाए थे ओलन के उसे भी हम इसमें चिपका देंगे। तो ये हमारा मल्टीपर्पज रैक बनके तैयार है। इसे मैं अपने किचन में इस्तेमाल करने वाली हूँ। जो भी किचन के जो यूटेंसिल्स जो होते हैं स्पैचुला बेलन वो सब रखने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको इस्तेमाल किया है। हमारा थर्ड DIY है एक प्यारा सा वॉल हैंगिंग डेकोर शोपीस, जिसे बनाने के लिए हमें कुछ पुराने बैंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे जूट के रोप की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन पुराने बैंगल्स को मैं जूट के रोप से टाई करूँगी कुछ इस तरह से। तो आप बैंगल्स अगर आपको मोटे हो तो आप एक ही बैंगल्स का इस्तेमाल करें। मेरे बैंगल्स दो पतले पतले हैं तो मैंने यहाँ पर दो बैंगल्स का इस्तेमाल किया है। अब मैं एक जूट रोप ले रही हूँ जिसे मुझे इसके साथ टाई करना है और इसको हैंग करने के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए मैंने ऐसे चार बैंगल्स जूट के रूप से ट्राई करके रखा है। अब मैं इसके चारों तरफ एक गोल्डन थ्रेड दे रही हूँ जो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब हम चारों बैंगल्स को अच्छे से ग्लूगन की मदद से चिपका लेंगे। कुछ इस शेप में आप चाहे तो ऐसे और भी बैंगल्स बना के और कुछ डिफरेंट शेप में भी इनको चिपका सकते हैं। इस वॉल हैंगिंग डेकोर पीस को और अच्छे से मजबूत करने के लिए इन बैंगल्स को मैंने पीछे साइड से भी टाई कर लिया है जूट के रोप से। मैं इनके बीच में ऐसे कलरफुल बर्ड्स बना के इसके अंदर चिपका दी हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कलरफुल उलन बर्ड्स का वीडियो मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा और जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, बस आपका एक छोटा सा सहयोग चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज का ये DIY का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।